अभिनय तो हमने देखा आपसे अभिषेक, लेखनी जो है आपके बाबूजी लिखते थे आप, मुझे ध्यान आता है कि एक एड फिल्म की एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है जिसमें आपका योगदान है। अपनी स्क्रिप्ट्स आप आजकल क्या जब भी आप करते हैं उसमें तो लोग बाहर पहरेदारी करते हैं, मुझे तो सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति का अनुभव है। जब हम लोग ये सोचते हुए आते थे वहां पर एक एक्सपर्ट के तौर पर कि उफ, सुबह से लेकर रात तक की शिफ्ट लगा दिया, पता चला अमिताभ बच्चन 2 घंटे पहले से हैं और अपनी सारी स्क्रिप्ट देख रहे हैं और हमारे बाद जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिख नहीं पाता हूं और मैंने कभी इतनी बदतमीजी की भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं समय पे मुझसे कहा गया पहुंचने को तो समय पे पहुंचना चाहूंगा। और स्क्रिप्ट क्योंकि लिखा है, क्योंकि उसको अभी हमने कैमरा के सामने उसको निभाना है तो उसको पढ़ना चाहिए, बस इतना ही करता हूं मैं। लेकिन श्वेता लिख रही है आपकी बेटी? जी, वो अभी एक अखबार में एक कॉलम लिख रही है जी। अच्छा लगता है उनको पढ़कर? बहुत अच्छा लगता है हमेशा। इनसे ही कह दें कुछ सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबको सवाल पूछ पाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग जरूर अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्या आप सरहद पार से सवाल चाहेंगे? वसीम अकरम, शोएब अख्तर हमारे साथ। इंडिया में तो आपको देख के लोग मेस्मराइज होते ही हैं, आपके इनसे ज्यादा फैन पाकिस्तान में है। मुझे याद है जब मैं था अबाउट 10-12 साल का, आपकी फिल्म आनी थी, एक बड़ी फेमस फिल्म कालिया, तब 3 VCR की कैसेट होती थी, 3 कैसेट्स आती थी, VCR जब नया नया आया था, तो हमने उस फिल्म का, बच्चों ने, उस मोहल्ले के बच्चों ने कोई 3 महीने वेट किया, फिर वो VCR किसी से किराए पे लिया, फिर वो फिल्म हमने कम से कम मेरी तो 20 दफा देखी, पूरा दिन पूरी रात लगा के, इतने बड़े इनके फैन थे। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको याद होना चाहिए कि आपके इस मुल्क के तो फैन हैं, उस मुल्क में आपके बहुत बड़े फैन, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके लिए कोई मैसेज आप जरूर दीजिएगा। मेरा देखिए, दरअसल पारिवारिक रिश्ता है, बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है, मेरी माता जी सिख परिवार से हैं और वो उनकी पैदाइश हुई लायलपुर, जो कि अब फैसलाबाद हो गया, उनकी शिक्षा जो हुई वो लाहौर में हुई, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो लाहौर में थे, उसके बाद कराची में बार एट लॉ थे, वो लॉयर थे, और जब मैं 2 साल का था तब मेरी माता जी मुझे ले गई थी वहाँ। पाकिस्तान की ज़्यादा याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ अपना स्नेह प्यार मुझे देते हैं और मैं अपनी तरफ से उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अब क्योंकि मौका मिला है तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैं कुली की शूटिंग में घायल हुआ था, उस समय जितनी दुआएं मुझे यहाँ से मिल रही थी उतनी ही दुआएं मुझे पाकिस्तान से मिल रही थी। और मुझे याद है कि एक खास वाकया था जो कि मुझे जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला बताया गया कि एक छोटा बच्चा था जो कि एक छोटे से गांव में रहता था पाकिस्तान में, और वो हर रोज़ कोई 12-15 किलोमीटर दौड़ के शहर आता था सिर्फ ये अखबार की खबर देखने के लिए कि मेरी तबीयत कैसी है, और फिर वो वापस चला जाता था। छोटा बच्चा था, कोई 4-5 साल का। तो उन सबको मैं, ये मेरे ऊपर एक कर्ज है और मैं समझता हूं कि इन सब दुआओं की वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये कर्ज मेरे ऊपर बना रहे क्योंकि ये बहुत अच्छा कर्ज है, लोगों की दुआएं जो है वो मेरे साथ है। जितने भी पाकिस्तान में चाहने वाले हैं मेरे, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया।